कैसे हैं दोस्तों। मैं हूं आज आपके साथ दोबारा एक नए प्रोडक्ट रिव्यू के साथ। जैसे कि आप जानते हैं, बहुत दिनों से हमारा ट्राइपॉड नहीं आ रहा था, तो बहुत सारी मुसीबत हो रही थी। लेकिन अब हमारा ट्राइपॉड आ गया है, तो एक अच्छा एंगल हमारे वीडियोस में अवेलेबल है। तो आज मैं आप लोगों को अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा शाओमी के पेन की। जी हाँ दोस्तों, शाओमी एक ऐसी कंपनी है जो कि मोबाइल के लिए बहुत मशहूर है, लेकिन वो पेन भी बनाती है। पेन इसका बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं और अली एक्सप्रेस पे सबसे ज़्यादा बिकने वाला आइटम भी है ये। अगर आप इसके बॉक्स को देखेंगे तो इसमें सिर्फ चाइनीज़ में लिखा हुआ है कि ये क्या चीज़ है और क्या है, और इंग्लिश में इसके बारे में थोड़ा सा कुछ लिखा है कि किसने बनाया है और कहाँ से बना हुआ है। मैंने इसको वाइट कलर में ऑर्डर किया था, तो कि चाइना से डायरेक्ट मैंने मंगवाया था। और जैसा आप देख सकते हैं, इसमें जो है, क्या कहते हैं, इसकी जो प्रोडक्शन डेट है वो 2019-06 है, कि ये जून के महीने का बना हुआ है। तो इसके बॉक्स में और कुछ नहीं है, बहुत ही एलिगेंट सी पैकिंग है। अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहें तो आप किसी को गिफ्ट दे सकते हैं। अगर आप किसी को एज अ अपने टीचर को सोविनियर देना चाहते हैं, सोविनियर तो नहीं बोलूँगा मैं इसको, अगर आप किसी को एक छोटा मोटा गिफ्ट देना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। चलिए दोस्तों, इसको आप अनबॉक्सिंग करते हैं। इसके पेन के बॉक्स में ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं, डायरेक्ट ही पेन आपको विजिबल हो जाता है। और ये इसमें स्लाइडिंग किस्म का बॉक्स दिया हुआ है, जो कि आप निकाल सकते हैं। बॉक्स के अंदर इस वक्त और कुछ नहीं है, तो लिहाजा मैं इसको हटा देता हूँ। अब आप देख रहे हैं, इसको जो है पेन को एक प्लास्टिक बैग में पैक किया हुआ है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको ग्रिप दी हुई है। मैं इसको इसमें से निकालता हूँ, और ये भी किसी काम की चीज़ नहीं है, तो हम इसको हटा देते हैं। तो दोस्तों, पेन को आप देखें तो एक फर्स्ट इम्प्रेशन ये होता है कि काफ़ी भारी और काफ़ी मजबूत पेन है ये, देखने में और एक फील में बहुत ही अच्छा होता है। अब मैं इसका प्लास्टिक कवर निकाल देता हूँ। ये इसका ओरिजिनल वाइट कलर है, इसमें शाओमी का एक एम्बलम दिया हुआ है, जो कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स में अवेलेबल होता है। ऊपर से इसमें एक सिल्वर किस्म का डॉट दिया हुआ है, और आगे से इसके अंदर एक बॉल पेन दिया हुआ है। जैसे ही आप इसको गोल घुमाते हैं तो इसका नेब बाहर आता है, अगर आप इसको वापस घुमाते हैं तो ये अंदर चले आता है। इसमें वो पुश बटन वाली फीलिंग नहीं है, लिहाजा ये बहुत ही इजी और कन्वीनियंट प्रोडक्ट है। अब इसको देखेंगे हम कि इसमें लिखने में ये कैसा है। तो इसमें लिखने से पहले इसमें एक सेफ्टी फीचर दिया हुआ है, जो कि क्योंकि ये नया प्रोडक्ट है, इस वजह से इसमें ये कवर लगा हुआ है। अब हम इसका ये कवर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा स्टिक हुआ हुआ था, मैंने इसको निकाल दिया है, क्योंकि ये सही से नहीं निकल पा रहा। अब ये सही से निकल गया है, तो आप देख सकते हैं। अब मैं इसको एक राइटिंग टेस्ट करता हूँ आउट ऑफ द बॉक्स, ये कैसा लिखता है। तो अगर हम इस पे लिखने की कोशिश करते हैं, बहुत ही बढ़िया इसकी राइटिंग है, बहुत ही स्मूथ है। आउट ऑफ द बॉक्स ये डायरेक्ट लिखना शुरू कर देता है। बहुत सारे पेन आजकल के ज़माने में जब आप नया खोलते हैं तो वो नहीं लिखते, वो प्रॉब्लम इसमें नहीं है। इट इज़ अ वेरी ओके। दोस्तों, मेरा ट्राइपॉड हिल रहा है, सॉरी अबाउट दैट। वेरी स्मूथ पेन। सिग्नेचर करने में देखा जाए तो इसमें काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छी है इसकी फीलिंग, बहुत ही अच्छा है इसका जो होल्ड है। और इसको अगर आप अपने पॉकेट में भी लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा फीचर इस पर आपको लगेगा। आपको ऑर्डर करना हो दोस्तों, या इसके मुतल्लिक कोई भी सवाल हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके रीफिल्स अवेलेबल होते हैं, जो कि मैंने साथ में ऑर्डर किए थे। रीफिल्स भी मैं आपको अगर दिखा सका तो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ अभी इसी वीडियो में, ताकि आप देख सकें कि इसमें रीफिल कैसे होता है। तो मैंने भी इसको अभी पहली बार ही मंगाया है, तो आई एम नॉट श्योर कि ये कैसे खुलता है। तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ आपको सामने, ओके, ये इसमें से रीफिल है। इसमें मीजा का एक रीफिल अंदर आता है, और इस प्रोडक्ट के जो अलग से मैंने रीफिल मंगाए हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से चाइना से मैंने मंगाए थे, इस पर किसी भी किस्म की ब्रांडिंग नहीं हुई है। आई थिंक सो, यस, ये किसी भी किस्म की ब्रांडिंग के बगैर है, लिहाजा आप किसी भी स्टेशनरी से आई बिलीव कोई भी प्रोडक्ट लेके लगा सकते हैं। तो ये इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, वापस इसको आपको बंद करना है, तो आपने लगा के इसके अंदर स्क्रू को दोबारा से एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, और आपका पेन तैयार हो गया। यस, तो बहुत ही खूबसूरत पेन है दोस्तों। आपको ऑर्डर करना हो तो मैं इसका लिंक अली एक्सप्रेस का अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में छोड़ देता हूँ, तो आप फिर ज़रूर इसको बाय कीजिएगा।
थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए, टेक केयर।